जैसा कि दोस्तों आपको पता कि 5G की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ चुकी है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों या फिर 6 महीने बाद साल भर बाद आपको 5G स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि जिस टाइम 4G आया था उस टाइम लोगों के पास बहुत कम 4G स्मार्टफोन थे, लेकिन धीरे धीरे 4G स्मार्टफोन बढ़ते गए और आज के टाइम पर मोस्टली लोगों के पास 4G स्मार्टफोन है। वैसे ही साल भर बाद देखना सभी के पास 5G स्मार्टफोन होंगे। एक ऐसा टाइम आएगा सभी को 5G स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी। 20,000 की प्राइस रेंज से नीचे वे कौन से 5G स्मार्टफोन है जो कि आज की लिस्ट में हमने सिलेक्ट किए। वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर फीचर्स, जिस हिसाब से प्राइस रेंज है उसी हिसाब से फीचर्स है और साथ ही साथ पैसा वसूल स्मार्टफोन है। सो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको समझ में आ सके कि अगर आपको फ्यूचर में कोई 5G स्मार्टफोन बाय करना तो इन सभी में से बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा होने वाला। वैसे तो सभी के सभी स्मार्टफोन जो कि एक से एक बढ़कर है, लेकिन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बैटरी कितनी होनी चाहिए, डिस्प्ले का साइज कितना होना चाहिए या फिर प्रोसेसर क्या होना चाहिए, इसलिए इन सभी में से आपको एक स्मार्टफोन सेलेक्ट करना। सो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं हम Realme Narzo 50 Pro से जो कि 5G स्मार्टफोन है। सो ये स्मार्टफोन 20,000 की प्राइस रेंज से नीचे होने वाला और उस हिसाब से काफी कुछ चीजें इसमें मेरे को अच्छी लगी। डिस्प्ले 6.4 इंचेस में होने वाली जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट सुपर अमोल्ड डिस्प्ले होने वाली है। रियर कैमरा 48+8+2 मेगापिक्सल में, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल में, प्रोसेसर MediaTek Dimensity 920। ये देखिए ये सारी चीजें प्राइस रेंज के हिसाब से। बैटरी 5000mAh में जिसको 33W की चार्जिंग सपोर्ट करेगी। रैम 6GB में, स्टोरेज 128GB में है और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज 17,000 है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Samsung A14 जो कि 5G स्मार्टफोन है और अंडर 20,000 की प्राइस रेंज में होने वाला है। डिस्प्ले 6.6 इंच जो कि एक प्रकार से बिग डिस्प्ले आपको देखने, डिस्प्ले का साइज आपको बड़ा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 90Hz रिफ्रेश रेट। डिस्प्ले पैनल IPS LCD में होने वाला है। रियर कैमरा 50+2+2 मेगापिक्सल में, फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल में, रैम 4GB में, स्टोरेज 64GB में, प्रोसेसर एग्नोइज 1330 और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज 16,900 रुपए है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है मोटो G82 जो कि 5G स्मार्टफोन होने वाला है और अंडर 20,000 की प्राइस रेंज में होने वाला है। वैसे मोटोरोला वाले अच्छा काम कर रहे हैं 2-3 सालों से और उसी हिसाब से इन्होंने 5G स्मार्टफोन में भी अच्छे खासे फीचर्स दे रखे हैं। डिस्प्ले 6.6 इंचेस में होने वाली जो कि अमोल्ड में है, 120Hz रिफ्रेश रेट, रैम 6GB में है, स्टोरेज 128GB में, बैटरी 5000mAh में है, रियर कैमरा 50+8+2 मेगापिक्सल में, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल में, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695 और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज 17,900 रुपए है। OnePlus Nord CE2 Lite जो कि 5G स्मार्टफोन है, मुझे काफी हद तक बहुत अच्छा लगा ये स्मार्टफोन। एक मतलब कि ये बोल सकते हैं ना कि वैसे नाम का लाइट है ये बहुत ज्यादा हैवी है ये स्मार्टफोन, मेरा मतलब फीचर्स के हिसाब से। डिस्प्ले 6.7 इंचेस में जो कि IPS LCD में देखने को मिलेगी, 120Hz रिफ्रेश रेट फुल HD में, रियर कैमरा 64+2+2 मेगापिक्सल में, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल में, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695, रैम 6GB में, स्टोरेज 128GB में, OS ऑक्सीजन एंड्रॉइड 13 वर्जन देखने को मिलेगा, बैटरी 5000mAh में देखने को मिलेगी और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज 18,000 रुपए है। और आज के लिस्ट का आखिरी स्मार्टफोन है Redmi Note 12 5G। डिस्प्ले 6.6 इंचेस फुल HD प्लस अमोल्ड में, 120Hz रिफ्रेश रेट, बैटरी 5000mAh में, रैम 6GB, स्टोरेज 128GB, रियर कैमरा 48+8+2 मेगापिक्सल में, फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल में, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 1 का प्रोसेसर इसको सपोर्ट करेगा और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज 17,800 रुपए है। फिलहाल आप बताइए कि इन सभी में से बेस्ट स्मार्टफोन आपको कौन सा लगा और क्यों लगा, प्राइस रेंज के हिसाब से या फिर फीचर्स के हिसाब से। जो नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।